सरजू राय जी के एक ट्वीट ने भारतीय जनता पार्टी के काले कारनामों की एक नई कलई खोल दी है। कोरोना महामारी के पहले वेव में जब पूरी दुनिया इस चुनौती का मुकाबला कर रही थी, तब झारखंड के भारतीय जनता पार्टी के नेता आपदा में अवसर तलाश कर रहे थे, कार्यालय का निर्माण कर रहे थे। उस समय भी हम लोगों ने कहा था, कार्यालय तो बनाया बनाया, इनको तो पैसे खाने की बीमारी है। 5 साल भ्रष्टाचार किया, कहीं बांध चूहा खा गया, कहीं विधानसभा के भवन गिरे, कहीं नदियों में पुल ढह गए, कहीं कुछ घोटाले, कहीं कुछ घोटाले। आप कल्पना कीजिए, वो भारतीय जनता पार्टी 8 कार्यालयों का, अपने कार्यालयों का निर्माण करती है और उसमें भी पैसे खाती है। अपने आला कमान के नेताओं को गलत बिल दिया और जब उन नेताओं को पता चला, इंक्वायरी हुई, तो 700-800 वर्ग फीट जमीन ही कम पाई गई। तो आप कल्पना कीजिए कि जो अपने घर को नहीं छोड़ते हैं, वो बाहर वाले को क्या करेंगे। अब देखने वाली बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता अपने प्रदेश के नेताओं को इस काले कारनामों पर कालिख पोतती है या उन्हें बरी कर देती है, ये देखने वाली बात है। लेकिन जनता जो है, ये पब्लिक जो है, सब जानती है। इनको मालूम हो गया कि वारे भाजपा के नेता अपने घर निर्माण में भी घोटाले करने से नहीं बाज आए। यही है घोटालेबाज पार्टी। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।